हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे जो पेज नंबर 320 पे दिया गया। ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड मैंने एक ही पार्ट में करा दिया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू RDD लेस क्या रहेगा ओल्ड RDD। जो ये रेड पेन से लिखा है दोनों हमको कहाँ मिल जाएगी, एडजस्टमेंट में मिल जाएगी। और ये बैड डेब्ट्स का रहेगा अपना जो ट्रायल बैलेंस रहेगा, मतलब ये ट्रायल बैलेंस की कहाँ रहेगा डेबिट साइड, और ये कहाँ रहेगा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। और आपने स्कूल में या कॉलेज में भी सीखा रहेगा जो ये प्लस है बेटा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सेम एज ये क्रेडिट में ये डेबिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। याद रखना है बैड डेब्ट्स का बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू RDD लेस क्या होगा ओल्ड RDD। और आपको समटाइम इसे हिडन एडजस्टमेंट भी दिए रहेगा। एडवर्टाइजमेंट कितने इयर्स का है, 3 इयर्स का, कितना दिया 6000, मतलब साल कितने महीने का होता है, एक साल का कैसे 12 महीने का, मतलब 1 अप्रैल से चालू होता है 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। क्यों प्रीपेड, क्योंकि हमने क्या कर दिया है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितने महीने का, कितने साल का कर दिया, 2 इयर्स का, मतलब 3 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया 6000, तो 2 इयर्स का कितना, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 6000 / 3, पता है ना जिसके साथ में क्वेश्चन मार्क रहेगा वो कर जाएगा डिनोट, 3 2 सा कितना रहेगा 6, 2000 × 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4000, मतलब 4000 क्या रहेगा प्रीपेड रहेगा। और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, असेट साइड पर आता है। किसी भी को हम पहले से ही पैसा दे दे प्रीपेड कर दे तो कहाँ पर आ जाएगा असेट साइड, मतलब पहला इफेक्ट क्या रहेगा लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कितना हो जाएगा 4000, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। अभी भी आपको नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं, बुक में जाके सम सॉल्व करा हुआ डैम श्योर आपको और अच्छे से और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर संजीव एंड सन्स, तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा संजीव एंड सन्स आ जाएगा, प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है 19 दिया गया, एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब यहाँ पर देखो कि तो वेरी फर्स्ट आपको फर्स्ट पेज पे क्या आ जाएगा यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स आ जाएगा डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जैसा मैंने बताया था फॉर्मेट बनाना सिंपल है, पेज को क्या करना है आपको फोल्ड करना है, तो बीच से क्या मिलेगा सेंटर मिल जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम ऐसे यहाँ पर भी आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये फर्स्ट पेज पे आया उसके सामने वाले पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। और जो आपका थर्ड पेज रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस शीट आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट आएगा। मैंने बताया था बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट आता नहीं है और बैलेंस शीट में उल्टा रहता है, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होता है क्रेडिट होता है असेट डेबिट होता है, अपने यहाँ पर उल्टा दिखा लेते हैं इसके लिए। और मैंने बताया था ये बनाना आपको, मतलब मैं नॉर्मली दोनों तरीके से बताऊँगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कैपिटल लिख सकते हो या तो कैपिटल अकाउंट बना के भी बना सकते हो। कैपिटल अकाउंट बनाना सिंपल है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर एक ही अमाउंट का कॉलम रहेगा। हालांकि ये 12 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखाऊंगा, ये 11 पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मैं 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, तो डोंट वरी बनने की जरूरत नहीं, वीडियो आप एंड तक देखोगे तो 110% आपको ऑटोमेटिकली सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये जो डेबिट अमाउंट है सारा का सारा कहाँ जाएगा डेबिट, मतलब कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा असेट साइड। क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा असेट, ये क्रेडिट्स में सारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की एल, मतलब कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पर चला जाएगा। वेरी फर्स्ट आपने ओपनिंग स्टॉक कहाँ देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा TD का मतलब ये कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, और कौन सी साइड उसका अमाउंट कहाँ दिया है डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद आपको दिया है परचेज एंड सेल्स, मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड सेल्स ऑलवेज, ये परचेज है ये क्या है सेल्स का अमाउंट है, परचेज कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड, सेल्स कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब ये DR देखो ऊपर डीप लिखा है डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये परचेज का अमाउंट कितना दिया है 1,76,000, सेल्स का कितना दिया है 4,60,000 दिया गया है। कैरेज आउटवर्ड मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड, या तो कैरेज रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड आया तो कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा।
प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, मेरे लिए असेट्स होता है, मैंने बताया था प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद हमें दिया है डेटर और क्रेडिटर, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ये वाला किसका दिया गया है मुझे, डेटर का दिया गया है, और ये वाला अमाउंट किसका दिया है मुझे, क्रेडिटर। डेटर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, और क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। मैंने आपको बताया था डेटर बिल रिसीबल कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, क्रेडिटर बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। अभी रिटर्न देखो, हमें दो अमाउंट दिया है, ये जो मैंने बताया था परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। मतलब ये कौन सा है मेरे लिए, SR मतलब सेल्स रिटर्न, और ये मेरे लिए क्या है, परचेज रिटर्न, PR मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। तुम बोलोगे कैसे सर, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो इसका ऑपोजिट होता है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। और ये दोनों क्या होता है, परचेज और सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। तो परचेज और सेल्स को मैं क्या कर दूँ, कैसा स्टार कर दूँ, स्टार किया मतलब उसको अमाउंट कहाँ जाएगा, इनर। आप बोलोगे सर इनर क्या होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इनर हुआ, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या हुआ, आउटर हुआ, क्लियर है। तो ये सेल्स रिटर्न में से लेस हो जाएगा, और ये परचेज रिटर्न में से ले, मतलब परचेज का अमाउंट कितना है 1,78,000, उसमें से 4,000 माइनस कर दूंगा। सेल्स का अमाउंट कितना है 4,60,000, उसमें से 2,000 में क्या करूँगा, माइनस करूँगा। सेम एज अ बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। मोटर वैन भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सारा मैंने अच्छे से बताया था। वेजिस आए तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया था वेजिस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिया है, ये क्रेडिट साइड। मैंने बताया था बैड डेब्ट्स कहाँ रहेगा, डेबिट साइड, RDD कहाँ रहेगा, क्रेडिट। तो ये मेरे लिए क्या दिया, ओल्ड RDD मुझे दिया गया। ये क्या दिया है मुझे, ओल्ड RDD। ये ओल्ड RDD क्या होगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होगा, लेस होगा। आगे आपको बैड डेब्ट्स मिल जाएगा। कमीशन का अमाउंट देखो कहाँ दिया है, क्रेडिट में। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। तुम बोलोगे क्यों सर क्रेडिट में, क्योंकि इसका अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा, अगर डेबिट में दिया रहता तो डेबिट में। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैरेज देखो, कैरेज आउटवर्ड था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाली कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, क्लियर है। खाली कैरेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। बेटा प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, जगह। मैंने बताया था लीज होल्ड प्रीमाइसिस, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या होता है, जगह। जगह क्या होता है, असेट्स होता है। लूज टूल्स क्या होता है, अभी काफ़ी सारे देखोगे तो लूज टूल्स कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। लूज टूल्स कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, तो ए लिख दूँ, क्लियर है। ड्रॉइंग देखो, ड्रॉइंग का दो चीज़ें, एक क्या होगा कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा, तो एक कैपिटल में से क्या करता है, लेस होगा। और सेकंड, अगर आपको ये अगर मेरे, मैंने बताया था आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पहला इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में से लेस होगा, मतलब एडजस्टमेंट नहीं है ये, कैपिटल में से क्या होगा, जो बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल, उसमें से लेस। या तो आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिखो, क्लियर है, आपकी मर्जी है, आपको कैपिटल में से लेस करना है या तो कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्लियर है, आपकी मर्जी। या तो कैपिटल अकाउंट में लिखो या तो कैपिटल में से क्या कर दो, आप लेस कर दो, क्लियर। आपको जो कुछ अच्छा लगे वो मेथड फॉलो करना। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैश इन एंड क्या होता है, असेट्स होता है। डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट। तुम बोलोगे सर ये नहीं समझा, याद करो CID, C फॉर कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। ये डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव मतलब पैसा आ रहा है तो इसके लिए क्रेडिट में दिया गया है। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। और कैपिटल में से क्या होता है, ये ड्रॉइंग क्या होगा, लेस होगा, क्लियर है। अगर आपको कैपिटल में से लेस नहीं करना है तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, आपकी मर्जी। मैं दोनों आप पे छोड़ूंगा, दोनों मेथड से लिखो। आपको कहा तो क्या लाइबिलिटी साइड पे लिखना है तो कैपिटल अकाउंट, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा जमे। सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट ऊपर देखो क्या था, वेजिस था, कहाँ गया, ये रहा वेजिस। वेजिस कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। मैंने बताया था डेटर को दूसरा क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर को दूसरा क्या बोलते हैं, पेबल। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट्स में। पेबल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। ये देखो BR मतलब ये इसका अमाउंट दिया है बिल रिसीवेबल का, और ये बिल्स पेबल का अमाउंट मुझे दिया गया है, क्लियर है। B फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। उसका अमाउंट भी देखो कहाँ दिया है, मैं डेबिट साइड दिया है, और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं दिया गया। और बैड डेब्ट्स को क्या रहेगा, स्टार। तुम बोलोगे सर क्यों स्टार इसको मैं करूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये क्या था, ओल्ड RDD। ओल्ड RDD क्या होगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होता है, लेस होता है। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला सबको पता ही रहेगा, बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू RDD लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड RDD। मतलब ये ओल्ड RDD हमें दिया गया है।
एडवर्टाइजमेंट की, ये देखो ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेट्स, कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, देखो ऑलरेडी मैंने कर ही दिया है, स्टार रहेगा तो उसका अमाउंट क्यों स्टार है, क्योंकि ये कितने साल के लिए दिया है? थ्री इयर्स। थ्री इयर्स मतलब कितने, दो साल का क्या हो गया? ये प्री पेड हुआ। अभी आपकी जानकारी के लिए बता, टू इयर्स का क्या है? ये प्री पेड है मेरे लिए, मैंने मेरे एडवर्टाइजमेंट का पैसा क्या कर दिया है, मतलब साल में एक ही साल का पैसा के बदले हमने दो साल का पैसा पे कर दिया है, मतलब तीन साल का किया, मतलब दो साल का क्या हुआ? प्री पेड हुआ। क्लियर है? बस इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। जैसे कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, उसका अमाउंट क्रेडिट में था। ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट कहाँ था? डेबिट में, तो डेबिट में जाएगा। खाली कैरेज आए तो ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड आएगा तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आगे बढ़ते एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की ऑलवेज कितनी इफेक्ट होती है? टू इफेक्ट। एक बात याद रखना, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? टू इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ पर लिख देता हूँ, टू इफेक्ट होगी। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट कितना दिया है? 60 एंड मार्केट प्राइस कितना दिया गया? 70। क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। आप बताओ 60,000 ज़्यादा है कि 70,000 ज़्यादा है? ऑफकोर्स 60,000 ज़्यादा है, 70,000 ज़्यादा है, 60,000 कम है। हमें क्या लेना है? कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है? 60, तो हम कैसे लगे 60। और क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आती है? टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी? ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी? असेट साइड पे चली जाएगी। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट असेट साइड चली जाएगी। अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। और डायरेक्ट आउटर में क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा इकलौता एडजस्टमेंट है जिसमें किसी को स्टार करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे एडजस्टमेंट में किसी ना किसी को स्टार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी, तो पहले मुझे यहाँ पर सैलरी मिला, सैलरी को स्टार कर दूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या मिला? वेजेस मिला, तो वेजेस को भी क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ऐड होगा। किस में ऐड हो जाएगा? वेजेस में 4,000, सैलरी में 2,000। और सेकेंड इफेक्ट आप बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी रहेगा तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी? ऑफकोर्स कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। किसी को पैसा पे करना है, ऑफकोर्स क्या होगा? लाइबिलिटी। प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 10% मोटर वैन और 5% फर्नीचर। तो मोटर वैन और किसको स्टार करना है? फर्नीचर। मोटर वैन और किसको स्टार करना है? फर्नीचर। तो ये मोटर वैन मुझे मिल गया, अभी मुझे क्या दिखना है? फर्नीचर। तो ये रहा फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। और डेप्रिशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है? फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा? ये जो असेट्स है उसमें से क्या हो जाएगा? लेस। और सेकेंड इफेक्ट इसकी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। डीआर का मतलब क्या रहेगा? डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? डोंट वरी, सब में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, तो आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ 2000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट आरडीडी कितना बोल रहा है? 5% ऑन डेटर। मैं तो चाहूँगा अच्छा हुआ पहले ही सम में ही आ गया। देखो बैड डेब्ट्स में से मतलब ये जो किस में से लेस होगा? डेटर में से। वेरी फर्स्ट क्या लेस होगा? पहले बैड डेब्ट्स कितना दिया गया? 2000। ये आरडीडी कितना दिया गया? 5। मतलब ये दोनों क्या दिया हमें? न्यू बैड डेब्ट्स और क्या दिया गया? न्यू आरडीडी दिया गया। मतलब डेटर में से क्या होगा? लेस। मतलब डेटर में से पहले बैड डेब्ट्स लेस होगा उसे, मतलब डेटर में से दो बार लेस करना है, बैड डेब्ट भी लेस करना है, आरडीडी। मतलब डेटर को कितने स्टार हो जाएंगे? 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ना है? 5 लाइन क्या करना है मुझे छोड़ना है। तो ये डेटर को कितने 2 स्टार? हालांकि 2 स्टार कैसे होता है? मैं जहाँ पर दो इसमें से दो चीज़ें लेस हो रही है, तो एट लेस दो बार हो रहा है तो उसको 2 स्टार, ये सब में से एक ही बार दे हो रहा है तो इसको कितने स्टार की? 1 स्टार। तो डेटर को कितने स्टार हो जाएंगे? 2 स्टार क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? और सेकेंड इफेक्ट डेटर में से लेस हो गए, बैड डेब्ट्स में आ जाएगा। और बैड डेब्ट्स को स्टार है, मतलब यहाँ पर बैड डेब्ट्स का क्या लिखना है मुझे? एफ। मतलब फॉर्मूला पूरा क्या करना है? बैड डेब्ट्स का लिखना है। क्लियर? ये बैड डेब्ट्स का यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे? प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। ये जब आएगा एडजस्टमेंट में आपको करके बता दूंगा कैसे क्या होता है। हालांकि आपको स्टार करना रहेगा तो कैपिटल को एक और स्टार करके रखो, मतलब और कैपिटल के लिए ज़्यादा जगह छोड़ के रखो। और मतलब एक तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ये तो ऐड करना है कैपिटल में। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्या आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर? एक इफेक्ट कहाँ था? क्रेडिट में। तो दूसरा कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। क्योंकि ये देखो अगर सेकेंड आपको अगर ये नहीं जमेगा, ऐड नहीं करना है, तो अपना पार्टनर्स मतलब कैपिटल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? ये क्रेडिट साइड। आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिखो या तो ऐड इन कैपिटल करो, दोनों में बताऊंगा कैसे क्या करना है। या तो ये दोनों में से एक करो, या तो ये एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में।
डोंट वरी, अब तक आपको कुछ डाउट रहेगा तो डोंट वरी, आपने मेरे साथ ये एक और बार वीडियो देख के आप कर लिख लोगे कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ जाएगा। और मैंने यहाँ पर फॉर्मेट मैंने जैसा बताया था अच्छे से लिख दिया। तो चलो फ्रेंड, आप भी हाथ में फॉर्मेट बना लीजिए, पेंसिल स्केल हाथ में रेडी रखें, हम साथ में मिलके सम करते हैं। वेरी फर्स्ट देखोगे क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है यहाँ पर, 22,000 दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा क्लियर। और स्टार के तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सीधा आउटर में कितना लिख दोगे आप, 22,000 क्या करोगे लिख दोगे। जैसा आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से फॉर्मेट बनाया, आपको भी वैसा ही बनाना है। उसके बाद परचेज और सेल्स, परचेज कहाँ चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है परचेज। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, परचेज लिखूँ। और परचेज का अमाउंट कितना दिया है, 1,78,000, उसको क्या है स्टार, स्टार रहेगा तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,78,000 रहेगा क्लियर। आप जैसा देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से यहाँ पर सब कुछ अच्छे से बना दिया है। उसके बाद क्या होगा, परचेस को स्टार है तो क्या करना है, तीन लाइन क्या करना है छोड़ देना है। और सेल्स कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से ही लिखो, बाई क्या आ जाएगा, सेल्स आएगा। डेबिट में टू लिखते, क्रेडिट में क्या आता है बाई। कितना दिया है, 4,60,000। और सेल्स को भी क्या है स्टार की, उसमें से क्या होगा, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न ये देखो मुझे पता है यहाँ पर आएगा, हालांकि उसको ढूंढने नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली आएगा। अभी कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर की एक लाइन छोड़ दूंगा कि ऊपर की, यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर, 4,800 रुपीज़ मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 4,800। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, असेट्स। तो असेट साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लांट एंड क्या आ गया, मशीनरी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना दिया गया है, 50। और स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सीधा आउटर में। अगर स्टार रहता तो अमाउंट कहाँ लिखता मैं, इनर में लिखता, बस उतना ही फ़र्क है। अभी देखो डेटर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। और क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। तो डेटर कहाँ चला जाएगा, असेट। तो इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, डेटर। और डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है, 44। क्रेडिटर का कितना दिया है, 76। तो डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है, 44,000। और स्टार रहेगा तो क्या करूँ, इसको दो स्टार है तो कितना लाइन, पांच लाइन, मतलब पांच क्या कर दूँ, डॉट कर दूँ। मतलब इतने ही छोटे छोटे डॉट कर, इतने भी बड़े नहीं करने, एक दो तीन चार पाँच मैंने क्या कर दिया डॉट, मतलब पता चले इसके नीचे पाँच लाइन क्या करना है छोड़ना है। सेम एज अ लाइबिलिटी साइड पर वेरी फर्स्ट क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल के बाद ही सब सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर आप पाँच से छः लाइन या तो सात से आठ लाइन छोड़ने के बाद ही क्या लिखोगे आप, क्रेडिटर लिखोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 76,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 76,000 आ जाएगा क्लियर है। अभी रिटर्न देखो, मैंने बताया था सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट में। तो अगर सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 2,000, परचेज रिटर्न का कितना दिया है, 4,000। तो पहले सेल्स में से क्या लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 2,000। हालांकि ये 4,000 परचेज, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। तो ये अमाउंट कितना दिया गया है, 2,000। तो 4,60,000 में से 2 माइनस कर दो, 4,00,000 कितना आ जाएगा, 58,000 आ जाएगा। सेम एज अ परचेज में से क्या लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न अमाउंट कितना दिया गया है, 4,000। तो 1,78,000 में से 4 गया कितना बचेगा, 1,74,000 बचेगा क्लियर है आंसर। मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया अमाउंट आउटर में, सेल्स में से सेल्स रिटर्न अमाउंट आउटर में चला जाएगा। अभी बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। अमाउंट कितना दिया गया, 58,000 दिया गया। तो आप जो यहाँ पर असेट साइड है, डेटर को मैंने बताया पाँच लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा क्लियर है। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स अमाउंट कितना दिया गया है, 58,000 डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, मोटर वैन कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। अमाउंट कितना दिया गया है, 40,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोटर वैन अमाउंट कितना दिया गया है, 40। और स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में आ जाएगा। और स्टार रहेगा तो कितना लाइन छोड़ना है, यहाँ पर 3 लाइन क्या करना है मुझे छोड़ना है। तो इसमें मोटर वैन पर जरा मैं डेप्रिसिएशन दिख रहा था इसलिए 10 बोल दिया। तो 3 लाइन क्या करना है छोड़ देना है क्लियर, वेरी वेरी सिंपल है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर क्या लिख दूँ, टू प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टेशनरी। अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर, 3,000 दिया गया। तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज़ क्या लिख दूंगा,
मैं आउटर में लिख दूँ, स्टार नहीं है तो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सीधा आउटर में चला जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर वेजेस दिया, वेजेस कहाँ आ जाएगा, देखो इसके नीचे आप चाहो तो एक एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पर टू क्या आ जाएगा वेजेस, अमाउंट कितना दिया गया है 28,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, अभी तुम बोलोगे सर बैड डेब्ट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये क्या है ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी क्या होता है बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होता है लेस होता है। तो वेरी फर्स्ट आपको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, टू बैड डेब्ट्स एड, एड क्या होता है यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स, क्लियर है, बैड डेब्ट्स एड क्या होता है न्यू बैड डेब्ट्स, एड क्या होता है न्यू आरडीडी, एड क्या हो जाएगा न्यू आर डी डी, और यहाँ पर एक लाइन क्या कर दूँ छोड़ दूँ, लेस क्या हो जाएगा ओल्ड आर डी डी हो जाएगा। और ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये मेरे लिए क्या है ओल्ड आर डी डी, ये अमाउंट कितना दिया गया है 3,200 मुझे दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,200 आ जाएगा। और इसको क्या कर दूँगा मैं ब्रैकेट कर दूँ, क्लियर है, और ब्रैकेट कर दूँ इसका मतलब मुझे पता चले ये क्या करना है मुझे माइनस करना है, क्लियर है। कमीशन कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि उसका अमाउंट कहाँ दिया है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएगा तो बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा कमीशन, और कमीशन का अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 2,400 मुझे दिया गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,400 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया, ऑफिस एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, तो इसके नीचे ही लिख दो या तो एक लाइन छोड़ दो या तो नीचे ही लिख दो इसके तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो काम कर दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस, क्लियर है, अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस का 5,400, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,400। अभी आप देखोगे सारे को मैं देखो कोमा करते जा रहा हूँ, तो आप भी ऐसा करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या दिया है कैरेज, कैरेज कहाँ चला जाएगा ट्रेडिंग, तो देखो वेजिस को क्या था स्टार था, अभी गलती से तुम देखोगे तो वेजिस का अमाउंट मैंने कहाँ लिख दिया है आउटर में, स्टार था तो मैं भूल गया, तो करना कुछ नहीं, देखो ये 28,000 यहाँ पर लिखा, इसको छोटा सा आप क्या करो, अभी काफ़ी सारे बच्चे पेन से ही करेंगे, आपको पेंसिल से क्या करो इसको दो अंडरलाइन कर दो या तो तीन कर दो, तो हमें पता चले इसको क्या करना है माइनस करना है। तो वेजिस का अमाउंट कहाँ आ जाएगा इनर में आ जाएगा। उसके बाद ये कहाँ था मैं कैरेज था, कैरेज का अमाउंट कितना दिया गया 9,000 दिया गया, तो तीन लाइन छोड़ने के बाद टू यहाँ पर क्या आ जाएगा कैरेज आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया है कैरेज का 9,000 दिया गया, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर में चला जाएगा। फर्नीचर कहाँ चला जाएगा असेट्स में, अमाउंट कितना दिया गया है 20,000, तो मोटर वैन को स्टार है उसके नीचे क्या आ जाएगा फर्नीचर, अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर फर्नीचर का 20,000 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। प्रीमाइसिस देखो फर्नीचर को स्टार है तो तीन लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रीमाइसिस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमाइसिस 81,000 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर में, स्टार नहीं है तो अमाउंट आउटर। रिमाइसिस के बाद क्या आता है लूज टूल्स, एक्चुअली गलती से मैं ड्राइंग पे चला गया, लूज टूल्स कहाँ आ जाएगा असेट साइड, तो माय डियर फ्रेंड आप भी लूज टूल्स असेट साइड पे लिख देना 20,400 आप असेट साइड पे लिख देना, और अमाउंट कहाँ चला जाएगा सीधा आउटर साइड पे चला जाएगा। मैं चला ड्राइंग, मैंने बताया था कैपिटल, कैपिटल में से लेस क्या होता है ड्राइंग, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट आप सभी को पता होना चाहिए क्या आता है कैपिटल, कैपिटल में से लेस क्या होता है ड्राइंग, तो ये क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं ड्राइंग्स क्या करूँ लिख दूँ, क्लियर है। तो ये ड्राइंग्स कितना दिया गया है मुझे 24,700 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,700, और इसको क्या कर दूँ ब्रैकेट। और मैंने बताया था एक तुम यहाँ पर लिख सकते हो, दूसरा ड्राइंग का आता है कैपिटल अकाउंट, जो मैंने ये बताया था आपका, तो वहाँ पर लिखो का तो आप पर लिखो, दोनों में से कहीं एक जगह लिखो, मैं तो यहाँ पर दोनों जगह बता रहा हूँ। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया गया 24,700। ये 12 पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे सीएस करना चाहते हैं उसके लिए वो ये मेथड फॉलो करो, क्योंकि ड्राइंग कहाँ आता है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और कैपिटल कहाँ आता है क्रेडिट साइड। हालांकि आपको नहीं समझेगा तो टीचर ने आपको यही बताया कैपिटल क्या होगा ड्राइंग क्या होगा कैपिटल में से क्या होगा लेस होगा। आगे क्या दिया गया यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में, अमाउंट कितना दिया गया 22,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट। और आपको पता रहेगा बैलेंस शीट में टू बाय कुछ नहीं आता, अमाउंट कितना दिया गया है 22,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद कैश इन हैंड कहाँ पर आ जाएगा असेट्स में, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कैश इन हैंड, अमाउंट कितना दिया गया है 71,000 दिया गया है, तो 71,000। डिविडेंड कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय डिविडेंड आ जाएगा, क्लियर है। और इसका अमाउंट कितना दिया गया है 3,300 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,300 आ जाएगा। उसके बाद देखो कैपिटल कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में,
या तो कैपिटल अकाउंट, हालांकि मैं लाइबिलिटी साइड पे लिखूंगा, तो कैपिटल मुझे कितना दिया गया है, ये 1,40,000, ये कितना दिया गया है, 1,40,000 मुझे दिया गया है। का तो आप क्या करो, कैपिटल को अगर कैपिटल अकाउंट में लिखना है, मैंने बताया था अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आता है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना रहेगा, 1,40,000। और ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, ये किस चीज़ का है, कैपिटल का है। अगर आपको का तो वहाँ पर लिखो, का तो यहाँ पर लिखो, दोनों में से कोई एक ही जगह लिखो, याद करो दोनों में से कोई, दोनों जगह मत लिखना आप बेटा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल कितना हो लिख दिया, 1,40,000 लेस क्या हो जाएगा ड्राइंग, और कैपिटल अकाउंट में का तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आप लिख सकते हो, का तो वो लिखो का तो ये लिखो, आपकी मर्जी, दोनों में से आपको जो मेथड अच्छी लगी वो लिखना। उसके बाद आगे क्या दिया है, सैलरी, सैलरी को स्टार है, सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सैलरीज, और सैलरी को स्टार है, अमाउंट कितना है, 44,000 स्टार है, तो अमाउंट इनर में आएगा, और क्या करूँ, तीन लाइन में क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, जैसा आप देख सकोगे मैंने अच्छे से किया है। बिल रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, और बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में, तो बिल रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, तो ये क्या आ गया, बिल रिसीवेबल अमाउंट कितना दिया गया है, 5,600, और बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, बिल्स पेबल में क्या करूँ, लिख दो, और अमाउंट कितना दिया गया है, ये बिल्स पेबल का अमाउंट दिया गया 8,000, मुझे 400 रुपीज़ दिया गया है, जैसा आप देख सकोगे मैंने काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। रिसीवेबल और डेटर कोई दूसरा क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल बोलते हैं, क्रेडिटर को दूसरा क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल बोला जाता है। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है, 2,400, और ऑलरेडी देखो यहाँ पर हमने लिखा है बैड डेब्ट्स एंड न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स में कितना लिख दूँ, 2,400 लिख दूँ, अभी बाकी के दोनों आएगी आपको एडजस्टमेंट में, सब्र करो थोड़ा। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है, फॉर 3 ईयर्स कितना दिया गया है, 6,000 मुझे दिया, और ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हिडन एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये हिडन एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन लाइन छोड़ने के बाद सैलरी को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखो, एडवर्टाइजमेंट मैं क्या करूँ, लिख दो, और एडवर्टाइजमेंट को स्टार है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर में आ जाएगा, क्लियर, 6,000, और ये चाहिए तो ब्रैकेट के नीचे मैं लिख दूँ, फॉर कितने ईयर्स का, ये 3 ईयर्स के लिए है, इसका मतलब स्टार है तो इसको क्या आ जाएगा, देखो हिडन एडजस्ट, इसके बारे में बोला नहीं गया, जस्ट हमें समझना है कि इसके नीचे स्टार है। अभी देखो 3 साल का है तो इसके नीचे 2 साल का क्या रहेगा, प्रीपेड, तो क्यों पता चला, साल में कितने महीने, तो एक साल का हमें पे करना, अकाउंटिंग ईयर कभी प्रीपेयर किया जाए, 1 अप्रैल to 31 मार्च, 1 साल, ये 3 साल का एक्सपेंस है, तो इसके लिए 2 साल का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लेस, उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड, तो लेस क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है, प्रीपेड क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट, और ये कितने साल का है, 2 ईयर्स का क्या कर दिया है मैंने, प्रीपेड कर दिया है, क्लियर, 3 साल में से 2 साल का क्या कर दिया, प्रीपेड। अभी आपको समझना रहेगा तो देखो 3 ईयर्स का कितना दिया गया है मुझे एडवर्टाइजमेंट, 6,000, तो 2 ईयर्स का कितना, हालांकि जो स्मार्ट बच्चे रहेंगे उनको पता चल जाएगा, 4,000 सर, देखो 3 ईयर्स का 6,000, तो 2 ईयर्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2, अभी आपको पता है 3 2 का कितना होगा 6, ये 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है, 4,000 दिया गया, प्रीपेड क्या होगा, लेस होगा, मतलब 6,000 में से 4,000 माइनस हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,000, और आपने कितना पैसा प्रीपेड कर दिया, 4,000, मतलब 6,000 था, 4,000 हमने आने वाले 2 साल का क्या कर दिया, प्रीपेड, तो लेस हो जाएगा, तो 2,000 आएगा, मतलब 4,000 पहले से पैसा पे कर दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ, तो असेट साइड पे आपको यहाँ पर लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 4,000 रुपीज़ आ जाएगा, काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 2,000 लिख देंगे, जी नहीं, प्रीपेड कितना है 4,000, 4,000 मैंने प्रीपेड कर दिया, हालांकि बचा 2,000 बैलेंस, मतलब 2 साल तो अभी का है, 4 साल का प्रीपेड कर दिया, तो प्रीपेड क्या होगा, लेस होगा एडवर्टाइज, और यहाँ पर लिख दूँ जानकारी के लिए कितने ही साल का दिया है, 2 ईयर्स का मुझे दिया गया है। आगे एडजस्टमेंट करते, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 60 और मार्केट प्राइस 70, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, लोअर कितना दिया गया है, 60,000 दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैं क्या लिखूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना लिखूँ, 60,000, क्यों, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विचर इज और डायरेक्ट आउटर, मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक ऐसा ही होता है एडजस्टमेंट जिसमें किसी को भी स्टार आएगा नहीं,
और बैलेंस शीट की असेट साइड पे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर टू बाई कुछ नहीं आता, पता है ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया गया है 60,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा 60,000, मैं क्या करूँ लिख दूँ। एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस कितना दिया गया है 400, सैलरी कितना दिया गया है 2,400। तो यहाँ पर वेजेस में क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आउट, ऐड हम करेंगे आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर क्या आ जाएगा वेजेस आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस और वेजेस का अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर 4,000 दिया गया है, तो ये 28 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, क्लियर है। जैसा मैंने बताया था गलती से मैंने क्या लिख दिया उसको, ये आउटर में लिख दिया, तो मैंने क्या कर दिया इसको पेंसिल से कैंसिल किया, हालांकि पेन से करेंगे तो काफ़ी एकदम ख़राब लगता है। यहाँ पर 28 प्लस आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 32। सेम एज अ सैलरी में भी मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, तो सैलरी में भी क्या आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा ये सैलरी आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर सैलरीज दिया गया है, कितना दिया गया है सैलरी का अगर देखोगे तो अमाउंट 2,400 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,400 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 2,400 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 46,400 रुपीज़ मुझे आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा 46,400। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। तो आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, अभी आपकी मर्जी, आपको देखो मैं दो तरीके से लिखता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है आउटस्टैंडिंग क्या दिया गया, मैं वेजेस दिया गया और दूसरा क्या दिया गया सैलरी। अभी दोनों अमाउंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे करके भी लिख सकते हो, तो हालांकि मेरी तरीके से लिखोगे तो चलेगा। और वेजेस का अमाउंट कितना था आउटस्टैंडिंग 4,000, सैलरी का कितना था 2,400, तो ये कितना आया 4,000, ये कितना आया 2,400, तो दोनों को मिला दो तो कितना आ जाएगा 6,400 रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर। आउटस्टैंडिंग जितना पैसा ऐड करते लेस करते वही इफेक्ट आएगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर कितना लेस किया था 4, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 10% मोटर वैन और फर्नीचर पे कितना लेना है 5%, तो पहले मोटर वैन पे कितना लेना है मुझे डेप्रिशिएशन लेस करना है, तो डेप्रिशिएशन क्या होता है लेस, तो आपको अगर मेरा डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर देखा रहेगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा डेप्रिशिएशन लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट कितना परसेंट दिया, यहाँ पर 10% दिया गया है, क्लियर है। मुझे अगर देखोगे तो मशीनरी पे कितना बोला है यहाँ पर डेप्रिशिएशन 10% और फर्नीचर पे कितना दिया गया 5%, तो ये 10% मुझे क्या करना है लेस करना है, तो ये जो 10% आपको अगर लेस करना है तो यहाँ पर क्या करूँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अभी आप सभी को पता है 0 और 10% बोले तो एक जीरो हटा देने का, तो 40 में से 4 चला गया तो आउटर में कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा, फर्नीचर पे कितना बोल रहे 5%, तो लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा डेप्रिशिएशन कितना बोल रहे एट द रेट 5% मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर वापस से ब्रैकेट करूँ 20,000 का कितना निकालना है 5 अपॉन 100, 0 चला गया 0 कट 200 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1,000, तो 20 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा 19,000 बचेगा, क्लियर है। सिंपल ये डेप्रिशिएशन क्या होगा, डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में हमने अच्छे से किया था, लेस हो जाएगा, तो डेप्रिशिएशन 10% बोले तो आपको ज़्यादा स्मार्ट बच्चे रहेंगे एक जीरो हटा दो, अगर 5% बोले तो एक जीरो हटा दो तो 10% होगा 5% उसका आधा, तो 2,000 का आधा कितना होगा 1,000, तो डेप्रिशिएशन कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 डेप्रिशिएशन, पहला किसका दिया गया है मोटर वैन, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन, और सेकंड किसका दिया गया है फर्नीचर, तो सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा, और मोटर वैन का कितना दिया गया है मुझे 4,000, फर्नीचर का कितना दिया गया है 1,000, तो ये कितना आ जाएगा 4,000, फर्नीचर का कितना दिया गया है 1,000, 4,000 प्लस 1,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5,000 आउटर में आ जाएगा, क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है, डेप्रिशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा लेस होगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स किस में से लेस होगा, मैंने बताया था डेटर में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है पहले बैड डेब्ट्स लेस होगा, तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा लेस बैड डेब्ट्स, अभी यहाँ पर आपको न्यू बैड डेब्ट्स नहीं लिखना, हालांकि एड न्यू बैड डेब्ट्स में होगा, यहाँ पर आपको खाली क्या लिखना है बैड डेब्ट्स ही लिखना, अमाउंट कितना दिया गया 2,000, तो 44 में से 2 गया कितना बचेगा 42,000 बचेगा, क्लियर है। बैड डेब्ट्स लेस क्या और डेटर में से क्या लेस हो जाएगा बैड डेब्ट्स, और ये 2,000 क्या चला जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर हमने लिखा ये न्यू बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। इसको क्या करना है ऐड करना है, क्लियर है। तो बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स हो गया,
अभी क्या बोल रहे हैं, आरडीडी कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, 5% ऑन डेटर, तो डेटर में से क्या लिखना है, 5% लेस करना है, तो लेस आरडीडी एट द रेट कितना है यहाँ पर, 5% मुझे दिया गया। तो अभी देखो 5% 44 का लूँ या 42 का, ऑफकोर्स जो अमाउंट लेस करके आए उस पर ही आएगा, तो यहाँ पर लेस कित पे आएगा, 42 पे आ जाएगा। 42 का कितना लेना है, 5% 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 कैंसिल हो गया, कितना है 420 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो मुझे पता है 2100 रुपीज़ आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि इसका 10% निकालूगा तो 4200, 5% तो उसका आधा कर दो 2100 रुपीज़, तो 42000 में से 2100 अगर मैं माइनस करूँ तो आउटर में कितना आ जाएगा, 39,800 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 39,900 रुपीज़ आ जाएगा। और मुझे न्यू आरडीडी कितना मिला है, 2100, तो यहाँ पर न्यू आरडीडी कितना आ जाएगा, 2100 रुपीज़ आ जाएगा। अभी क्या करना है, सबको यहाँ पर ऐड कर दो, आपको पता चल गया रहेगा एक लाइन मैंने किसके लिए छोड़ा है, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 प्लस 500 हो गया, ये कितना आ जाएगा 6, मतलब ये कितना आया 6500, माइनस कितना करना है 3200 करना है। अभी 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, 6 में से भी 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, तो आउटर में अमाउंट कितना आ जाएगा, 3300 रुपीज़ आओ मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना बैड डेटर का एक और बार समझा, तो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होगा, बैड डेब्ट, उसके बाद क्या लेस होगा, आरडीडी। तो बैड डेब्ट कितना दिया है, 2000 लेस कर दिया तो 42 आया, और लेस क्या होगा, आरडीडी। आरडीडी कितना बोले, 5%, जो अमाउंट माइनस करके आया उस पर ही क्या आ जाएगा, आरडीडी आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है, अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट आया है, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा मैंने बताया था, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, अगर मेरी मेथड से अगर करोगे, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, कैपिटल। और देखो कैपिटल लेना है तो 1,40,000 पे कितना बोला है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बोला है 10%, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। जैसा आप देखोगे प्रोवाइड 10%, तो 10% लेना है तो इस पर क्या आ जाएगा, 10%। हालांकि आपको अगर ऐसा नहीं लिखोगे ब्रैकेट में तो आपको कंपलसरी वर्किंग पॉइंट बने, 0,0 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आया, 14,000 मुझे इंटरेस्ट आया का। तो फर्स्ट इफेक्ट, अगर आपने ये अकाउंट बनाया तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, ऐड। तो कितना है, पहले ये 1,40,000 में से कितना माइनस करूँ मैं, 24,700 माइनस करूँ, तो 1,40,000 माइनस 24,000 से, आपका एग्ज़ाम में कैलसी आपको अलाउ नहीं है तो पूछना मत सर कमेंट में, तो 1,51,300। क्लियर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, और कितना आया अपने लिए, 14,000 आया। हालांकि आप नहीं बनाओगे तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और हालांकि सिंपल ही वर्किंग नोट बनाना, तो यहाँ पर जस्ट खाली ऐसे ही आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना बोला है यहाँ पर, 10% बोला गया है। तो क्लियर है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट फिजिकल टू क्या रहेगा, कैपिटल कितना दिया गया है, 1,40,000 का कितना निकालना है, 10%, तो 10/100 किया अभी जैसा हमने किया, तो आंसर कितना आया, 14,000 मुझे आ गया। तो ये इंटरेस्ट कितना आया, 14,000 आ गया, बस इतना ही सिंपल है। तो इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो काम कर दो, चलो 1,51,000 में से यहाँ पर है मेरे पास रेडी, तो 14,000 मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो कितना आया, 1,29,300 आया। हालांकि आप अगर ये नहीं बनाते तो आपको ये बनाना पड़ेगा। कैपिटल क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना है, अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो आपने अगर अकाउंट बनाया रहेगा तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, अगर ड्रॉइंग डेबिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट, एक क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आपको लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्या आ जाएगा, कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट कितना दिया गया है, 14,000 दिया गया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 14,000 आएगा। मतलब दो इफेक्ट पता चल गया, एक इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है, मैं चाहूँगा आपने भी मेरे साथ ऐसे सारे सम अच्छे से कर लिखते रहोगे तो और अच्छा बेटर रहेगा,
आपने भी लिखा रहेगा। तो चलो माय डियर फ्रेंड, अभी हम टैली स्टार्ट करते हैं। अभी आप अगर टैली करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे का टोटल 22,174,32 और ये सबका टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 2,37,000 आपको आंसर आ जाएगा। ये आपको पेंसिल से लिखना है। सेम एज इसका टोटल करोगे तो ये 4,58,60 करोगे तो 5,18,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी तुम मुझे बताओ 5,18,000 ज़्यादा है कि 2,37,000? ऑफकोर्स ये 5,18,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा, 5,00,000 कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5,18,000 आपको आंसर आ जाएगा। अभी 5,18,000 में से कितना माइनस करना है मुझे, 2,37,000 मुझे माइनस करना है। अगर करोगे तो 2,81,000 आपको आंसर आ जाएगा। और इसको नाम क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तुम बोलोगे सर कैसे ग्रॉस प्रॉफिट, अरे सेल्स ज़्यादा में किया है, परचेज 2,00,000 में किया, सेल्स 5,00,000 में किया तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखेगी, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। फाइंड करते समय ऑलवेज क्या होता है, कैरी डाउन। ये कहाँ आया, मैंने बताया था ये कहाँ आया, डेबिट में। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्रॉस में। अगर लॉस आता है तो डेबिट में, प्रॉफिट आता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट में। तो ये क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,81,000 आपको आंसर आ जाएगा। अभी वापस से सेम इसका भी दोनों साइड का टोटल करो। देखो अगर इसका टोटल करोगे तो मुझे पता है 2,00,000 आपको 86,700 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम ऐसा इसका अगर पूरे का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 83,900। अभी एक बात बताओ, 2,86,000 ज़्यादा है कि 83,900 ज़्यादा? ऑफकोर्स 2,00,000 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा, आपको 2,86,700 लिखना है। तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,86,700, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,86,700। माइनस कितना करना है मुझे, 83,900 क्या करूँगा माइनस, तो आंसर मुझे आएगा 2,02,800 मुझे आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, कैरीड डाउन रहेगा। फाइंड करते समय ऑलवेज कैरीड डाउन, ट्रांसफ़र करते ब्रॉड डाउन। अगर ये नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन आया तो ये जो मैंने बताया था, अगर आपने ये अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या करूँ यहाँ पर, सॉरी ऐड क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। कितना आया था, 2,02,000 कितना आया था, 800 आ गया था। क्लियर है? अभी क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको कितना है, ये 1,29,300 प्लस कितना ऐड करना है मुझे, 2,02,800 अगर ऐड करूँगा तो मुझे आंसर कितना आएगा, 3,32,100 प्लस कितना करना है, ये 76,000 प्लस 22 प्लस कितना करना है, 8,400 प्लस कितना करना है, 6,400। तो कितना आंसर आया, 444,900। तो यहाँ पर अगर एंड में मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ अभी 444,900। अगर यही सेम अगर मैं यहाँ पर बनाता तो ये जो नेट प्रॉफिट कहाँ पर आया था, डेबिट में। तो कहाँ, सॉरी यहाँ पर आपको दिखता नहीं रहेगा, नेट प्रॉफिट कहाँ पर आया था, डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। मतलब ये नेट प्रॉफिट डेबिट में आया तो मैंने बताया था क्रॉस में ट्रांसफ़र, तो डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पर आ जाता बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाता, ब्रॉड डाउन आ जाता। अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 2,02,800 आ गया था। क्लियर? अभी सेम इसका भी अगर टोटल करना है तो देखो कौन सा साइड ज़्यादा, एक क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा। तो ये कितना आया था, 1,40,014। अगर आपने ये नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, नहीं बनाना चलेगा। उसको ऐड करो 3,56,800। तो यहाँ पर कितना आया था, 3,56,800। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3,56,800। माइनस कितना करना है, 24,700 करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,32,100 आंसर आएगा। देखो ये आंसर और ये आंसर मैच हो रहा है, देखो 3,32,000। और यहाँ पर बस यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। और यही बैलेंस आपको इतना सारे यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल लिख के आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं लूज टूल्स लिखना भूल गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर सेम एज असेट साइड का टोटल का, आप भी लूज टूल्स लिख देना असेट साइड पे, तो आप भूलना नहीं। 29,900 प्लस इसका कितना करना है, 58,000 प्लस कितना करना है, 36,000 प्लस 19,000 प्लस कितना आ जाएगा, 81,000 प्लस 71,000 प्लस 5,600 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस कितना आ जाएगा, ये 20,400 आ जाएगा। आप देखोगे टोटल कितना है, 444,900। अगर यही टोटल देखो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है 444, तो अमाउंट कितना आएगा, 444,900। मतलब अपना टैली क्या हो गया, राइट हो गया।
मैं चाहूँगा इसका एंड में मैं आपको पिक भी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। और जी हाँ, एक बात, अगर आप ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अगर बनाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। माई डियर फ्रेंड, चलो अलविदा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।